हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज का ये लुक मेरा कैसा लग रहा है? अगर आप नई नई वाली दुल्हन है तो आप ऐसा मेकअप कैरी कर सकती है। तो इसको बनाने लगाने के लिए मैंने देखी क्या क्या चीज़ यूज किया। पहले मैंने अपनी स्किन को टोन कर लिया था, लिप्स को मॉइस्चराइजर पहले से कर लिया। आप इसको मेकश्योर आप पहले से इसे कर लीजिए। फिर मैं इसको गुड वाइब का सीरम लगा रही है, रोज हिप सीरम है। अच्छे इसको ब्लेंड कर लूँगी। सीरम लगाने से हमारा जो स्मूथ हो जाता है हमारा स्किन, तो अच्छे से मेकअप लग जाता है। फिर मॉइस्चराइजर ना लगा के मैं ये अपना ग्लो सीरम लगा रही हूँ, एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर की जगह बहुत ही अच्छा है। फिर मैं अपने लगा रही हूँ मैं NY का प्राइमर। प्राइमर लगाने से अपना पोर्स हाइड हो जाता है और मेकअप उस स्किन जो स्मूथ हो जाती है, तो मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ब्लेंड करने के लिए आप सब पहले ऐसे पहले ये सब लगा लीजिए, क्यों तभी अच्छा सा मेकअप ब्लेंड होता है, फेबुलस सा मेसन निकल के आता है। तो मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ इस तरह से। अगर आपने अभी तक वीडियो मेरे लाइक नहीं किया तो जाके प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मैं इसमें फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाते समय आप मेकश्योर आप दुकान से ही जाके लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप एक सेट लाइट लेते हैं या डार्क ले लेते हैं तो अपने स्किन से मैच नहीं करता है। लाइट ले लेते तो बहुत लाइट हो जाता है, और डार्क ले लेंगे तो डार्क हो जाएगा, वो अच्छा सा निकल के नहीं आएगा। तो मेकश्योर आप अपनी स्किन का टोन का ही लगा के फाउंडेशन लें। फाउंडेशन हमेशा जॉ लाइन पर लगा के ही चेक करें कि आपने स्किन से मैच कर रही है कि नहीं। तो ये फिटमी का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा कवरेज है, लाइट वेट है, तो अच्छा है। मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर ले। ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए क्योंकि सारा ब्लेंडिंग का ही खेल है। तो ब्लेंड 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 अच्छे से कर लीजिए। फिर मैं NY का कंसीलर लगा रही हूँ। ये इसका शेड है 02 कंसीलर है। आपने डार्क सर्कल पे या कहीं भी पिंपल्स वगैरह के दान रह जाते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। फिर मैं थोड़ा अपने लिप्स के एरिया में लगा लेती हूँ, जहाँ भी आपका लगे कि आपका डार्क है तो वहाँ पे आप कंसीलर लगा लीजिए। और मैं थोड़ा अपने आई हेड पे भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी लगा लेना चाहिए कि वो भी जगह अक्सर डार्क रहती है, तो जो भी आई मेकअप होता है वो अच्छे से उभर के नहीं आता है। तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए, डैब 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 करके ब्लेंड अच्छे से करिएगा, नहीं तो अच्छे से मेकअप करके नहीं आएगा, क्रैकी सा लगेगा। तो ब्लेंड मेकश्योर आप अच्छे से करिएगा। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप ऐसे फिंगर की मदद से कंसीलर लगा ले सकते हैं। फिर अपने कंसीलर को सेट करूँगी, ये कंफर्ट पाउडर से, ये मेबलिन का है। तो कंसीलर को सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंसीलर सेट नहीं करेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकल के आता है, मर्ज हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपको सेट कर लेना चाहिए। आप पूरे मेकअप को भी सेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैट फिनिश आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा लेकर सारे को सेट कर लेती हूँ। फिर मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग के लिए मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है, आप इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैक है, ये भी समझ लीजिए। फिर मैं हर जगह कंटोर कर ले रही हूँ। कंटोरिंग करने से अपने जो चेहरा वो फ्लैट नज़र आता है, ऐसे मतलब गोल मटोल सा नहीं नज़र आएगा, एक फ्लैट सा नज़र आएगा। तो मेरा एक्चुअली मेरा गोल मटोल सा है, तो मैं अपने को थोड़ा सा फ्लैट बना ले रही हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा सा फ्लैट सा निकल के आ जाएगा। कंटोरिंग कर लेना चाहिए। कंटोरिंग करने के लिए आपसे पाप निकाल के और ऐसे कंटोरिंग कर लीजिए। थोड़ा मैं चिन एरिया को भी छुपाऊंगा, चिन एरिया है तो आप उसको भी वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इतना फ्लैट सा आ गया लुक, तो ये अच्छा सा इसके चेहरे का सेव आ जाता है। और फिर मैं अपने निक को, अगर आपकी नोज बहुत ही मोटी है तो आप इस तरह से पतली कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। देखिए मेरी कितनी पतली हो गई ये नोज, आप इस तरह से कंटोरिंग कर लीजिए हर जगह। अब ब्लेंड अच्छे से करिएगा, ब्लेंडिंग का ही सारा खेल है, ब्लेंड अच्छे से करिएगा इस तरह। देखिए पब निकाल के फिर मैं आईब्रो सेट करूँगा। आईब्रो के लिए मैंने ये से लोकल मार्केट से आईब्रो पेंसिल ली थी। इसमें दो कलर है, एक कलर ब्लैक और ब्राउन है, तो मैं ब्राउन लगा रही हूँ। ब्राउन लगाने से आप कंफर्टेबल महसूस करते, ज़्यादा डार्क ब्लैक ब्लैक नहीं लगता, तो आप इस तरह ब्राउन लगा सकते हैं। अब आईब्रो लगाने से आप ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, ऐसा मतलब नेचुरल आएगा। इस तरह ट्रिक से आप आईब्रो लगा लीजिए, फिर इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। चाहे तो आप स्पूनिंग की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास मस्करा पहले से वो ख़राब हो चुका है तो उसका एप्लीकेटर धुल के साफ करके सुखा के आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा से नेचुरल सा फिनिश आ जाता है आईब्रो का, तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। फिर मैं इसमें लगाऊंगी, अपने चेहरे पर लगाऊंगी ब्लश। ये है ब्लू हेवन का ब्लश, पिंकिश सा स्माइल करिए और ब्लश लगा लीजिए, स्माइल लगा लीजिए।
दीजिए ब्लेंड करके। फिर मैं अपने नोज़ को भी थोड़ा पिंकिश पिंकिश कर दूंगी। आप ऐसे ट्राई जरूर करिएगा, बहुत अच्छा सा मेकअप उभर के आता है, तो प्लीज़ ट्राई करिए। मैं सुराग ने अभी अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाइए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं आपके लिए। फिर मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने हर जगह को हाइलाइट कर ले रही हूँ हाइलाइट पॉइंट पर। देखिए कुछ इस तरह से हाइलाइट अप कर लीजिए। अगर आप नई नवेली दुल्हन है या आपका एंगेज भी होने जा रहा है, कोई फंक्शन है, तो आप इस तरह से मेकअप क्रिएट कर सकती है। बहुत ही अच्छा लुक, फेबलस सा लुक मेकअप आएगा। ऐसा है कि आपने पार्लर से नहीं करवाया, आपने खुद किया है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने नोज़ को थोड़ा हाईलाइट कर लिया है, मेरा आईब्रो पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी। फिर मैं अपने लिप्स पे कर लूँगी, चिन एरिया पे हाईलाइट कर लूँगी, फोरहेड पे हाईलाइट कर लूँगी, सब जगह हाईलाइट कर लूँगी। ये देखिए लिप्स पे हाईलाइट करना बहुत ही अच्छा सा लिप्स आता है, तो आप इस तरह से हाईलाइट सब जगह कर लीजिए। फिर आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए, ऐसा ना लगे सब अलग अलग सा है, तो अच्छे से ब्लेंड अच्छे से करिएगा। फिर मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये स्टेक्वर्की का है, इसका शेड है इसका शेड है 18 और 21 यू है इसका शेड, और इसका अप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लिपस्टिक लग जाती है। तो ये देखिए पहले मैं अपना लाइनर लगा ले रही हूँ, फिर इसको फिल कर लूँगी, बहुत ही अच्छा फील हो जाता है। और मैट फिनिश है इसकी, मैट फिनिश है किस प्रूफ है, मैं इसको लगाना आपको बताना भूल गई। आप इसको लगाइए, बिल्कुल भी मर्ज नहीं होता सूखने के बाद, चाहे इसके बाद कॉफ़ी पिए, चाहे पिए खाना खाए, कहीं भी टच से मस्त नहीं होता है लिपस्टिक, तो आप ट्राई जरूर करिएगा ये। फिर मैं इसको लिपस्टिक को सेट करने के लिए थोड़ा सा ये अपना कंसीलर लेके उसको लगा ले रही हूँ, उससे ना अच्छी सी लिपस्टिक उभर के आएगी, मतलब प्रोफेशनल लिपस्टिक लगाएगा आपने, ऐसा लगेगा अब मैं अब सूखने के बाद करिएगा, नहीं तो ऐसा मर्ज हो जाएगा। देखिए मैं हाथ से धीरे हल्के हाथ से ही कर ले रही हूँ, और देखिए कितना अच्छा फिनिश आ रहा है, ऐसा नहीं लगा आपका इधर उधर लगा है, अच्छे से फिनिश आ गया। ये देखिए सूखने की बात करिएगा। फिर मैं सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये NY का, लेकिन ये बहुत स्टिकी है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और ये मैं अपना खुद का बनाया होम मेड मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, और अच्छा सा फिक्सर है, ये बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई जरूर करिएगा। अच्छे से फिक्स इसको सूखने दूंगी, सूखने के बाद ऐसा लुक है, आप इस तरह सा लुक क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। हेयर स्टाइल मैंने दो तीन बता दिए, आप ही चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, मेरा पहले से कर ले तो मुझे ज़्यादा कल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इस तरह से कल कर सकते। अगर आप नई नवेली दुल्हन है तो आप ऐसा मेकअप क्रिएट करके सबको मतलब खुश कर सकती है, सबको चौंका सकती है। जी मैंने क्या क्या, क्या की, यूज किया है तो आप बताइएगा, मैं सारे इसके रिव्यू डाल दूंगी। सारे मेरे ये आई मेकअप इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो ये आई मेकअप का मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, वो वीडियो कल आएगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा कि उसमें मैंने ये अगर आपको ये मेरा आई मेकअप अच्छा लगा है तो आप जरूर कल का वेट करिएगा। कल मैं इसमें मेकअप आप वीडियो में डाल दूंगी, तो कल चेकआउट करना बिल्कुल मत। अगर ये आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेकअप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे हम और भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आ पाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में कि ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन प्रेस करिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बाय।